दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले हैं व्हाट्सएप के बारे में, क्योंकि व्हाट्सएप में एक बहुत ही बिगेस्ट यहाँ पे प्रॉब्लम आ गया है कि अगर आपको कोई वॉइस मैसेज भेजता है और उसको आप प्ले करते हो तो आपका जो है स्क्रीन ब्लैक हो जाता है पूरा का पूरा, यहाँ पे जो है देख सकते हो इस टाइप से ब्लैक हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम क्या है, इससे कैसे आपको छुटकारा पाना है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो वीडियो बनाए हैं उसमें बता रहे हैं कि आपको सिंपली चले जाना है सेटिंग्स में और सेटिंग्स में जाकर के प्रॉक्सिमिटी सेंसर वाला जो ऑप्शन है उसको ऑफ कर देना है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे इसको ऑफ करने से कोई फ़ायदा नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं सबसे पहले दिखाता हूँ आपको, ये कॉल सेटिंग्स में आ करके यहाँ पे इनकमिंग कॉल में क्लिक करके यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो है इसको सभी लोग बोले कि बंद करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है इनकमिंग कॉल सेटिंग्स, तो इसका मतलब है कि कॉल सेटिंग्स है ये, ना कि व्हाट्सअप का है, इसका व्हाट्सअप से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो अगर आपके फ़ोन में ये प्रॉब्लम है, और अगर आप व्हाट्सअप चलाते हो अगर आपके फ़ोन में ये प्रॉब्लम नहीं है तो इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, क्या पता आपको फ्यूचर में ये प्रॉब्लम हो जाए। तो इस वीडियो में आपको 5 टिप्स बताने वाला हूँ जिससे इससे छुटकारा पा सकते हो और आपका जो वॉइस मैसेज होगा जो अगर कोई भेजता है आपका दोस्त तो उसको आप सुन सकते हो। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, नॉलेजेबल है, तो वीडियो के साथ बने रहिए। वीडियो को पसंद आए तो लाइक जरूर से करिएगा, मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको इस टाइप का वीडियो सब देखने को मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स इससे छुटकारा पाने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये व्हाट्सएप में जो आपको कोई वॉइस मैसेज सेंड करता है तो इसको अगर आप सुनते हो ना तो एक सेटिंग से इसमें फीचर दिया गया है व्हाट्सएप में कि अगर इसको लाउड स्पीकर पे सुनते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे सुन सकते हो। लेकिन जैसे ही इसको चालू करके वॉइस मैसेज को प्ले करके और कान के पास ले जाते हो ना तो ऑटोमेटिक इस स्पीकर में बजने लगेगा, मतलब आपका जो कान वाला स्पीकर होता है उसमें बजने लगेगा और आपका लाइट बंद हो जाता है। तो अगर ऐसे होता है तो इसका मतलब आपका फ़ोन सही है, कोई दिक्कत नहीं, आपके व्हाट्सएप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप इसको जैसे ही प्ले करते हो और कान के पास नहीं भी ले जाते हो फिर भी ये ऑफ हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, तब आपके फ़ोन में प्रॉब्लम है। तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले करना क्या है, आपको व्हाट्सएप को जो है अपडेट कर लेना, क्योंकि कभी कभी आप व्हाट्सएप को अपडेट नहीं करते हो तो बहुत सारा प्रॉब्लम आ जाता है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि व्हाट्सएप को अपडेट कर लेना है। बहुत सारे वीडियो में तो बताया गया कि आपको अपडेट करना है, तो ये सही ही बताया गया, क्योंकि आप व्हाट्सएप को अपडेट कर लोगे तो जो भी प्रॉब्लम वगैरह होगा, बग वगैरह होगा, वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद ही प्रॉब्लम आता है तो सेटिंग्स में चले जाना है। मोबाइल के सेटिंग्स में आ जाने के बाद में यहाँ पे आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है, तो यहाँ पे एक ऐप्स वाला सेक्शन मिलता है, ऐप्स वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे मैनेज ऐप्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक सर्च बॉक्स मिलता है, इस सर्च बॉक्स पे क्लिक करके यहाँ पे आपको सर्च करना है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप सर्च करने के बाद में यहाँ पे आपको स्टेप से देखने को मिल जाएगा, तो नीचे एक क्लियर डाटा का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पे क्लियर कैचे जो है उसको क्लियर कैचे पे क्लिक करके क्लियर कर देना है, ना कि आपको क्लियर ऑल डाटा पे क्लिक करना है, आपको सिंपली क्लियर कैचे पे क्लिक करके इसको क्लियर कर देना है। लेकिन फ्रेंड्स आपके फ़ोन में इतना कुछ करने के बाद में भी आपको व्हाट्सएप में प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे आप प्ले करते हो ऑडियो तो आपको वहाँ पे ऑफ हो जाता है, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर का ही काम होता है। अगर आपके फ़ोन में प्रॉक्सिमिटी सेंसर ख़राब हो गया होगा, यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है तो ये ख़राब हो जाता है तो आपको ये प्रॉब्लम आते हैं। तो इसके लिए आप अपने फ़ोन को सर्विस सेंटर में दिखा सकते हो, लेकिन अगर आप नहीं जाना चाहते हो फिर भी आप सुनना चाहते हो कि आपका वॉइस मैसेज जो भेजा गया है वो व्हाट्सएप पर तो नहीं प्ले हो रहा है लेकिन फिर भी सुनना चाहते हो, तो उसके लिए आपको सिंपली करना है कि आपको अपना फाइल मैनेजर ओपन करना है, और फाइल मैनेजर ओपन करने के बाद में सिंपली आपको क्या करना है, अपने फाइल वाले सेक्शन पर आ करके व्हाट्सएप वाला जो फाइल है उसको ओपन कर लेना है। दिखा देता हूं मैं आपको, वो आप कहां से सुन सकते हो, तो व्हाट्सएप वाला ओपन करने के बाद में आपको मीडिया पे क्लिक करना है और यहां पे व्हाट्सएप ऑडियो का एक ऑप्शन मिलता है जहां पे आपके फोन में जो ही ऑडियो वगैरह आया होगा वो आप सुन सकते हो, यहां से बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगा, यहां पे स्क्रीन ब्लैक नहीं होगा। लेकिन अगर आप चाहते हो व्हाट्सएप से ही सुनो, व्हाट्सएप एप्लीकेशन से ही सुनो, तो वहां से भी सुन सकते हो, लेकिन आपको करना क्या होगा, आपको अपने फोन में एयरफोन लगा करके सुनना होगा, तभी जाकर के आप सुन सकते हो। तो बस यही था वीडियो, क्योंकि बहुत सारे लोग इस पर कमेंट कर रहे थे, मैंने एक पहले वीडियो बनाया था तो उस पर कमेंट कर रहे थे कि ये प्रॉब्लम मेरे फ़ोन में सॉल्व नहीं हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम होता है प्रॉक्सिमिटी सेंसर का, अगर आपके फ़ोन में हार्डवेयर प्रॉब्लम है तो उसके लिए आपको सर्विस सेंटर में जाकर के सही करवाना होगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।